नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीडे एजुकेशन चैनल पे। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और आज हम 7 अगस्त 2018 की वोकैबलरी देखेंगे द हिंदू पेपर से ली गई। आप द हिंदू का पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास ऑडिल। ऑडिल होता है कठिन परीक्षा, अ टफ एक्सपीरियंस। सिनोनिम है उसका ट्रिबुलेशन, सफरिंग या फिर एफ्लिक्शन। एंटोनिम प्लेजर या फिर डिलाइट, खुश रहना। एग्जाम्पल, इवन द एक्सपीरियंस वेडिंग प्लानर फाउंड इट क्वाइट एन ऑर्डील टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ सेरेमनी इन 24 आवर्स। यहाँ तक कि अनुभवी शादी योजनाकार ने 24 घंटों में एक समारोह के योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए काफ़ी कठोर पाया। एलिजेंस, एलिजेंस होता है वफादारी, लॉयल्टी और कमिटमेंट टू अ सुपीरियर, टू अ ग्रुप और कॉज। वफादारी रखना किसी अपने बड़े से या फिर किसी गिरोह से या फिर किसी कार्य के प्रति वफादार होना। सिनोनिम है उसका फिल्टी या फिर फिडिलिटी। एंटोनिम है उसका डिसलॉयल्टी या फिर ट्रीएचरी। एग्जाम्पल, दोज विशिंग टू रिसीव सिटीजनशिप मस्ट स्वेयर एलिजेंस टू द रिपब्लिक। जो नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उन्हें गणतंत्र के निष्ठा की कसम लेनी चाहिए। रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड होता है पतित होना, कम होना। डायरेक्टेड और मूविंग बैकवर्ड्स। सिनोनिम है इसका रेट्रोग्रेस या फिर एब। एग्जाम्पल, द डिजीज प्रोड्यूसेस अ रेट्रोग्रेड प्रोसेस विच वीकन्स नॉर्मली हेल्थ मसल्स। यह बीमारी एक पतित करने वाली प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वस्थ मांसपेशियों को कमजोर करती है। नेक्स्ट है असेल्ड। असेल्ड होता है आक्रमण करना, मेक अ कंसर्टेड और वॉयलेंट अटैक ऑन। सिनोनिम है इसका चार्ज या फिर इन्वेडेड। एग्जाम्पल, वेन आई वॉज अ चाइल्ड Fears of monsters under the bed assail me if I didn't keep the light turned on. जब मैं एक बच्चा था तो बिस्तर के नीचे राक्षसों का डर मुझ पे आक्रमण करता था अगर मैं रोशनी चालू नहीं की होती थी। श्रिल, श्रिल होता है चुपती हुई, जो कान में चुभे। हाई पिच्ड एंड पियर्सिंग। सिनोनिम होगा इसका शैटरिंग या फिर श्रीकिंग। एंटोनिम, लो सॉफ्ट या फिर डलसेट। एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ द श्रिल विसल मेड एवरी वन स्टैंड स्टिल। महीन आवाज़ वाली सीटी की आवाज़ ने सबको खड़ा कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है गाब। गाब होता है विशिष्ट कपड़े पहनना, तड़कीले भड़कीले कपड़े पहनना। ड्रेस इन डिस्टिंक्टिव क्लोथ्स। सिनोनिम होगा बेडिजन या फिर एरे। एग्जाम्पल, शी लुक्ड सो लवली इन दैट गाब दैट ही सिंपली स्टूड एंड वॉच्ड इन साइलेंस। वह उस वस्त्र में इतनी प्यारी लग रही थी कि वह बस खड़ा रहा और चुप्पी में देखता रहा। नेगेशन, नेगेशन होता है नकार देना। अ स्टेटमेंट दैट इज अ रिफ्यूजल और डिनाइल ऑफ सम अदर स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट को नकार देना। सिनोनिम होगा रेफ्यूटेशन, इनवैलिडेशन। एंटोनिम, अप्रूवल या फिर अफर्मेशन। एग्जाम्पल, देर शुड बी कन्फर्मेशन और नेगेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। निष्कर्षों की पुष्टि या अस्वीकृति होनी चाहिए। फैसेट, फैसेट होता है किसी चीज़ का पहलू, अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट और फीचर ऑफ समथिंग। सिनोनिम होगा फेस या फिर एलिमेंट। एग्जाम्पल, द आर्किटेक्ट वॉन्टेड टू एंश्योर दैट एवरी फैसेट ऑफ द बिल्डिंग वॉज परफेक्ट। वास्तुकार यह सुनिश्चित करना चाहता था कि भवन के हर पहलू सही थे। नेक्स्ट है एक्रू। एक्रू होता है वृद्धि होना, एक्यूमुलेट और रिसीव पेमेंट्स और बेनिफिट्स ओवर टाइम। सिनोनिम होगा अमास, एग्लोमरेट। एंटोनिम होगा डिक्रीज, कम होना। एग्जाम्पल, आई एंजॉय यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड बिकॉज द मोर आई यूज इट फॉर परचेजेस द मोर माइलेज पॉइंट आई कैन एक्रू। मुझे यह क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने का आनंद मिलता है क्योंकि जितना मैं अधिक इसे खरीद के लिए प्रयोग करता हूँ उतना अधिक माइलेज पॉइंट मैं अर्जित करता हूँ। लास्ट वर्ड है डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट होता है घटा देना। डिमिनिश द वर्थ और वैल्यू ऑफ अ क्वालिटी और अचीवमेंट। किसी की क्वालिटी या फिर किसी की उपलब्धियों को घटा देना। सिनोनिम होगा डिस्पैरेज, डिक्राई या फिर मलाइन। एंटोनिम होगा इंक्रीज, बढ़ा देना। एग्जाम्पल, वन मिस्टेक इज नॉट गोइंग टू डिट्रैक्ट फ्रॉम योर अचीवमेंट। एक गलती आपको नीचा नहीं दिखा सकती आपकी उपलब्धियों से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इस आइकन से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको कोई डाउट या क्वेरी या सजेशन देना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आप द हिंदू का पेपर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।